नमस्ते, मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी, क्लिनिकल गुरुजी प्लेटफॉर्म पे हमारे पेन मैनेजमेंट का ये लेक्चर हमारे 1% बेटर कोर्स में लेक्चर लेंगे डॉक्टर स्वप्निल कुमार बरस्कर। स्वप्निल सर हमारे इंदौर में सेम्स मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीजिया विभाग में पेन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एनेस्थीजिया विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पर वो बेसिकली पेन क्लिनिक रन करते हैं। अब आजकल क्या हो गया, स्पेशलिटी में भी और सुपर स्पेशलिटीज होती जा रही हैं। एनेस्थेटिस्ट मैं भी हूँ, पर पेन मुझे मतलब इनका 10% भी नहीं आता। मतलब घर की बात है, 2-4-6 दिन पहले मेरी वाइफ को बैकएक हुआ तो मैंने स्वप्निल को फ़ोन किया, मैंने कहा स्वप्निल क्या क्या करना है तू बता दे भैया। तो ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी फैकल्टी इन इन पेन, पेन, बिल्कुल बिल्कुल अपने देसी तरीके से पढ़ाएंगे जैसा अपने यहाँ टीचिंग होती है। और जनरल प्रैक्टिस में जो लोग पेन लेके आते हैं, कॉमन पेन्स क्या हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, उस पर 2 क्लासेज इन्होंने हमको प्रॉमिस की हैं और बाद में हम इनको पकड़ के और भी इनसे क्लासेस करवाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें रहेंगी, कुछ कुछ चीज़ें ये आपसे पूछेंगे आप बताना, और क्लास के एंड में अपन एक 10-15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें जो मुझे पूछना है मैं पूछूंगा, जो आपको पूछना है आप पूछेंगे इनसे। हेलो एवरीवन। तो नाम, थैंक यू सुबोध सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। बेसिकली पेन अब अपने आप में एक इमर्जिंग ब्रांच है, नई ब्रांच है। एंड आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको कोई स्वेलिंग है, वो तब तक अस्पताल नहीं आएगा जब तक उसको थोड़ा सा उस पर पेन स्टार्ट नहीं होगा। तो पेन इज़ ए वेरी वाइटल, इनफैक्ट उसको आजकल फिफ्थ वाइटल साइन कहना शुरू कर दिया है। तो इतना वाइटल है कि पेशेंट मोस्टली उसके लिए रन करेगा। और अगर आपने उस पेशेंट का पेन अच्छे से मैनेज कर दिया, सो यू हैव दैट पेशेंट विथ यू, अलॉन्ग विथ दैट आपके पास उसके जितने रिश्तेदार हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, भैया किसी फार्मा कंपनी ने हमको स्पॉन्सर नहीं किया है, कोई किकबैक नहीं मिला है। इसमें हम कुछ कुछ नाम बताएंगे, ट्रेड नेम्स बताएंगे ड्रग्स के। यू आर फ्री टू यूज जो आपको फॉर्मुलेशन अच्छी लगती हो, जो बेटर लगती हो आप वो यूज कर सकते हो। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है, इस पे थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगा क्योंकि आजकल भैया किकबैक पे भी टीडीएस कट रहा है। ठीक है, तो हमारे गोल्स क्या है? वेन टू बी कॉशियस, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, पॉइंट्स टू कवर इन प्रिस्क्रिप्शन फॉर पेन मैनेजमेंट। अब वेन टू बी कॉशियस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने रेड भी कर रखा है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये मरीज मैं ठीक कर सकता हूं और ये मैं नहीं कर सकता हूं, इसको मुझे छोड़ देना है। मतलब बेसिकली गर्म तवा है ये, छूना नहीं है इसको। ठीक है, तो हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी पॉइंट में बेसिक हिस्ट्री और एग्जामिनेशन आपको कुछ पॉइंट बनाऊंगा, टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे अपन बेसिकली बेसिक पेन एक मैनेज कर सकते हैं पेशेंट का। दूसरा, एक पेन का प्रिस्क्रिप्शन कैसा आइडियल होता है, मतलब उसमें हमें कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। हमारा एक बेसिक थिंकिंग जो लोगों के दिमाग में बनी हुई है, सब फिजिशियन, ऐसा मैं किसी लेबल नहीं करूंगा किसी स्पेसिफिक ब्रांच को, पेन इज इक्वल टू एनएसीआईडी, मतलब डाइक्लोफिनेक दे देना है पेशेंट को, ऐसा नहीं है। हमें वही चीज सीखनी है आज हमारी क्लास में। एक एग्जाम्पल, एक कहानी से शुरू करूंगा। एक डॉक्टर थे, ही वॉज ए पैथोलॉजिस्ट, जिमिंग करते थे मॉर्निंग में सुबह सुबह, साथ में उनको एक लेफ्ट शोल्डर पेन रहता था। तो जिमर ने भी बोला, सर कुछ नहीं है, थोड़ा सा शोल्डर पेन है, ज्यादा आपने डंबल वम्बल मार लिया आज। ठीक है, जैसा सब करते हैं, उन्होंने एक डाइक्लोफेनेक खा ली। शाम तक भी पेन हल्का हल्का बना हुआ था। एक ऑर्थोपेडिशियन को भी फोन कर लिया, यार बता भाई क्या करूं। उसने बोला, यार तू ज्यादा डंबल मत कर पहली बात तो, दूसरा डाइक्लोफिनेक खा ले, कल तक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गए जिम करने, गए, ही कोलैप्स एंड ही डाइड। क्या मिस कर गया, क्या मिस करे, है ना? तो अब तक आप लोगों ने गेस करना शुरू कर दिया होगा कि सर मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, हार्ट अटैक आ गया, जो भी हो गया। पर क्या ये चीज प्रिवेंट करी जा सकती थी? क्या इसे हम जान सकते थे? और इवन डॉक्टर्स ये चीज मिस कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज है ये? ठीक है, तो यहां हमारे आते हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स मतलब झंडे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट झंडा होता है रेड फ्लैग। जहां झंडा दिखा रेड, हमें जाना है रुक। ठीक है, ये हमारे लिए गर्म तवा है। तो कौन से रेड फ्लैग्स हमें ध्यान रखने हैं? पहला हो गया
एडवांस्ड एज, बेसिकली एक्सट्रीम्स ऑफ एज कह सकते हैं, बहुत ही छोटा बच्चा हो या 60-70 प्लस एज ग्रुप का पेशेंट हो, सडन उसको एक्यूट ऑनसेट पेन हो रहा हो, बी अलर्ट प्रिस्क्राइबिंग बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी मेडिसिन, ठीक है। उसको मेलिग्नेंसी की हिस्ट्री है, हो सकता है मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गया हो, आप सिंपल ट्रीट कर रहे हो कि यार कुछ नहीं बैकिक पेन हो, पता चला वर्टिब्रल कोलैप्स हो रखा है उस पेशेंट को, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। इस पर एक कहानी याद आती है, मेरे पास एक पेशेंट आया, यंग पेशेंट, सीवियर लो बैक पेन, सीधे अपना स्ट्रेचर पे आया हमारे पास में। मैं भी हैरान परेशान कि इतना यंग पेशेंट है ऐसे स्ट्रेचर पे क्यों आ रहा है, ठीक है। बोले सर सीवियर बैक पेन है, स्पेसिफिक टेंडर पॉइंट मिल रहा था L2 वर्टिब्रा पे, तो समझ तो आ गया कि पैथोलॉजी यहीं लोकलाइज्ड है कहीं, एक एक्सरे कराते हैं। एक्सरे कराया, वहां पे फ्रैक्चर कोलैप्स मिल रही है वर्टिब्रा हमें, बॉडी उसकी अच्छी खासी। इतना यंग पेशेंट, कोई कैल्शियम तो कम है नहीं, कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा नहीं है, तो ये कोलैप्स हुई कैसे। आई स्टार्टेड बुकिंग इन कि भैया बता क्या दिक्कत है। फाइनली ही रिवील्ड धीरे से, सर आई एम HIV पॉजिटिव। इवैल्यूएट कराया, इट वाज TB स्पाइन, जो कि बॉडी में चला गया, डिस्काइटिस काफी टाइम से हो रखा था, जाके बॉडी में भी इन्फेक्ट कर दिया। फाइनल प्रेजेंटेशन जो मिली हमें सीधे कोलैप्स की मिली, तो यू शुड बी वेरी कॉशियस। नेक्स्ट फीवर चिल्स, कई सारा होता है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, वाइड स्प्रेड पेन के साथ पेशेंट सिर्फ बोलता है सर शरीर में दर्द है बस, ये देख लो आप, बाकी सब तो ठीक चल रहा है, बट फीवर चिल्स है साथ में। कई बार ये हो सकता है आप एनएसीआईडी प्रिस्क्राइब कर दोगे, पेशेंट ऑलरेडी थ्रोम्बोसाइटोपिनिक होगा, और ये जितने भी एनएसआईडीज हैं वो और एग्जैजरेट करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को, तो पेशेंट और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारा वेट लॉस, तो वेट लॉस बेसिकली आप मेलिग्नेंसी से कोरिलेट कर सकते हैं कि सीवियर वेट लॉस हो रहा है, साथ साथ में उसको सीवियर पेन्स आ रहे हैं, ठीक है। एक्सेसिव फटीग, जैसे कि इस HIV पॉजिटिव वाले केस में हमें दिख रहा है कि इतना कैसे डिटोरिएट हो गया पेशेंट कि सीधे व्हीलचेयर पे या सीधे स्ट्रेचर पे आना पड़ रहा है उसको। कोई हिस्ट्री और रिसेंट फॉल की, कोई मेजर ट्रॉमा हुआ था, ठीक है। जैसे कि कई बार कॉमनली हमें देखने को मिलता है कि कोई ओल्ड एज फीमेल पेशेंट आएगी कि सिर्फ सर इतनी हल्की सी गिरी थी हाथ में, बस यहाँ कुछ मोच से आ गई है, इफ यू आप एक्सरे कराओगे तो वो निकल जाएगा फ्रैक्चर, ठीक है। तो इन पेशेंट्स पे थोड़ा अलर्ट रहना है। दूसरा हो गया न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स जैसे कि मोटर वीकनेस स्टार्ट हो गई, सेंसरी डेफिशिट हो गया पेशेंट को, कॉर्डा इक्वाइना में जा रहा है पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स को हमें मेडिकली मैनेज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट येलो फ्लैग, येलो फ्लैग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। येलो फ्लैग हम सब ने यूज करा है स्कूल के टाइम पे, हमें हेडेक होगा, पेट दुखेगा, तो ये हम येलो फ्लैग है। क्या येलो फ्लैग है, हम हमारा गेन है कि हमें स्कूल नहीं जाना है, इसलिए हम हमारे पेन का एक बहाना बना रहे हैं, ठीक है। तो येलो फ्लैग्स के लिए ध्यान रखना है कि पेशेंट कई बार आके बोलेगा सर इतना दर्द है मैं कल जा नहीं सकता, ऑफिस नहीं जा सकता, ये लिख दो बस आप, ऐसे पेशेंट से थोड़ा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब इसे मैं कहता हूं येलो फ्लैग रेड फ्लैग्स तक हमारी एक फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है बेसिक पेन मैनेजमेंट की। यहां तक आप बताइए आप लोगों को कुछ सब कुछ क्लियर चल रहा है, सब तक ठीक है, चैट बॉक्स प्लीज दिखा दीजिए ज्यादा, ठीक है ठीक है। चलिए तो फर्स्ट स्टेप के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज पेन, ठीक है। पेन की बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी सोसाइटीज है, सबने अपनी अपनी पेन की डेफिनेशन बना रखी है, साइकोलॉजिकल सोशल पता नहीं क्या क्या। हम एक बेसिक जो फॉलो करते हैं, जो मैं बिलीव करता हूँ, स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, जब तक पेशेंट कह रहा है दर्द है तो दर्द है, ओनली थिंग इज आपको रूल आउट करना है फ्लैग कि कोई येलो फ्लैग तो नहीं है, तो रेस्पेक्ट करना है पेशेंट को कि उसको दर्द है तो है, ठीक है। अब पेशेंट इन OPD, जब पेन का कोई पेशेंट आता है, मैं आपको अपने टिप्स बताता हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ कोई भी पेन का पेशेंट देखना। उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक बॉडी चार्ट बना रखा है, मैं ये पेशेंट को दे देता हूँ, पेशेंट को बोलता हूँ आप इसमें मार्क कर लो आपको कहाँ दर्द हो रहा है, सबसे ज़्यादा जहाँ दर्द हो रहा है आप वो मार्क करो, और अगर पेन कहीं जा रहा है तो वो रास्ता भी बना दो। आप देखोगे कई बार पेशेंट बहुत ही सुंदर तरीके से बताएगा कि लो बैक पेन S1 के अंडर रूट में पूरा सप्लाई करता हुआ दिखा देगा आपको, आपको ज़्यादा इवेल्युएट ही नहीं करना पड़ेगा, बॉडी चार्ट से समझ में आ जाएगा कि डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। अब इसका एक और एडवांटेज है, जो क्रोनिक पेन के पेशेंट्स होते हैं उनमें कभी भी एक दर्द नहीं होता, कई सारे दर्द होते हैं। अब ये बॉडी चार्ट मैं अपने पास रखता हूँ, पेशेंट को नहीं देता हूँ, उसका नाम नंबर सब लिख के डिटेल्स अपने पास रखता हूँ। होता क्या है,
आपने एक पेन तो ठीक कर दिया, पेशेंट अगला पेन लेकर आएगा, बोलेगा सर कैसा ट्रीटमेंट किया आपने, ये घुटने का दर्द तो गया नहीं मेरा, आपने ट्रीटमेंट दिया था लो बैक पेन का, इस बार वो आया है नी जॉइंट पेन के साथ। तो आपको भी एक आइडिया लग जाता है कि भाई पिछला ट्रीटमेंट तो आपका बैक पेन का था, नी जॉइंट का ट्रीटमेंट अभी आप करेंगे हम शुरू। ठीक है, ये मेरा ओपीडी का पर्चे में मैं इसको बहुत तवज्जो देता हूं। नेम तो ठीक है, एज यंग एज पेशेंट है कि ओल्ड एज पेशेंट है। ओल्ड एज पेशेंट में डीजनरेटिव डिजीजेस के बारे में सोचना है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, लंबर कैनल स्टेनोसिस हो गया, ऐसी बीमारियां सोचनी है। यंग है मोस्टली गो फॉर कि मसल पेन होना चाहिए, या कोई ट्रॉमा या ट्रिवियल ट्रॉमा कुछ हुआ तो हम लिगामेंट्स के बारे में ज्यादा सोचेंगे ऐसे पेशेंट्स में अगर यंग है तो। जेंडर की क्या इंपॉर्टेंस है, फीमेल पेशेंट्स में ऑस्टियोपेनिया बहुत कॉमन होता है, पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थोड़ी भी यंगर एज फीमेल 30s 40s अर्ली 40s या अर्ली 30s की पेशेंट है, मल्टीपल जॉइंट पेन है, हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बैक ऑफ माइंड में रख के चलेंगे। वहीं अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस दिमाग में रख के चलेंगे, ओल्ड एज में प्रेजेंटेशन नहीं आती रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। दूसरा हो गया कोमॉर्बिडिटीज, ये बहुत नेग्लेक्ट करते हैं सब लोग, सब लोग सोचते हैं डायबिटीज है हाइपरटेंशन है, ये दूसरा डॉक्टर देख तो रहा है ना, मेडिसिन वाला देख रहा है, वही संभाले अपन क्यों संभाले। तो अगर हाइपोथायराइड पेशेंट्स आते हैं है ना, या डायबिटीज वाले अनकंट्रोल डायबिटीज वाले, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में हेडेक बना रहता है, तो जब तक वो हाइपरटेंशन ट्रीट नहीं होगा आपको भी मेडिसिन देते रहो आपका ट्रीटमेंट फेल है। डायबिटीज का पेशेंट है पॉलीन्यूरोपैथी कॉमन होती है, आप कितने भी एंटी न्यूरोपैथिक लिखते रहो जब तक डायबिटीज को प्रॉपर थोड़ा कंट्रोल में नहीं लिया होगा आपका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हाइपोथायराइड पेशेंट्स है मल्टीपल साइड पेन बहुत कॉमन होता है, यहाँ भी दुख रहा है यहाँ भी दुख रहा है सब जगह दुख रहा है, तो जब तक आप वो हाइपरटेंशन ट्रीट नहीं होगा आपको भी मेडिसिन देते रहो आपका ट्रीटमेंट फेल है। डायबिटीज का पेशेंट है पॉलीन्यूरोपैथी कॉमन होती है, आप कितने भी एंटी न्यूरोपैथिक लिखते रहो जब तक डायबिटीज को प्रॉपर थोड़ा कंट्रोल में नहीं लिया होगा आपका ट्रीटमेंट उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हाइपोथायराइड पेशेंट्स है मल्टीपल साइड पेन बहुत कॉमन होता है, यहाँ भी दुख रहा है यहाँ भी दुख रहा है सब जगह दुख रहा है, तो जब तक आप थायराइड का ट्रीटमेंट नहीं करोगे ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आप उनको कुछ भी लेबल करते रहो, आप बोलते रहोगे यार इसको तो हर जगह दर्द करता है, आप थायराइड को ट्रीट करो सब ठीक हो जाएगा। वास और एनआरएस हो गया अपना स्कोर, विजुअल एनालॉग स्केल न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, बेसिकली 0 to 10 के बीच में हम रेट करेंगे पेशेंट का पेन। इसका एडवांटेज ये है कि आपको फॉलोअप में पता चलता रहेगा कि पेशेंट को आप कितना एडवांटेज दे रहे हो। होता क्या है, आपने पेशेंट का 6-7 का स्कोर आउट ऑफ 10 लेकर अगर आया पेशेंट, आपने ट्रीट भी किया आपने ठीक भी किया उसको, अगली बार पिछली बार पेशेंट मतलब थोड़ा लंगड़ा के आराम से सपोर्ट से आ रहा था, इस बार चलते हुए आया, फिर बोलेगा सर अभी भी आराम तो लग नहीं रहा उतना, आप बोलोगे स्कोर कितना है, सर 6-7 होगा, 6-7 तो पहले भी था तो आपका ट्रीटमेंट तो कुछ तो काम किया। तो आपको इसमें यह भी नोट करना है कि पेशेंट केम विथ सपोर्ट, नेक्स्ट विजिट में आया ही केम विदाउट सपोर्ट। तो फंक्शनल इंप्रूवमेंट हमें इस तरीके से समझ में आता है, कई बार पेशेंट फंक्शनल इंप्रूवमेंट को कभी एड्रेस नहीं करते, बिल्कुल ही एड्रेस नहीं करते। इट इज कॉमन, मैंने एक पेशेंट ट्रीट करा, एक टाइम पे आती थी स्ट्रेचर पे, बाद में आई व्हील चेयर पे, बाद में आई चलते हुए, फिर भी बोल रही थी सर दर्द तो पूरा अभी जा नहीं रहा है। तो वो फंक्शनल इंप्रूवमेंट आपको दिखाना पड़ता है पेशेंट को, वो खुद देखेगा नहीं कभी। तो हम ये स्केल फॉलो करते हैं बेसिकली, जो कि न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है। अगर पेशेंट गिनती नहीं आती है तो आप 16 आना 12 आना इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम ग्रेड करने के लिए कहते हैं उनको कि आप भैया अगर बहुत मैक्सिमम पेन हो या इसमें से आप इस लाइन में आप कहाँ अपने पेन को चूज करोगे। इसमें मैं 3 पॉइंट्स देखना पसंद करता हूँ कि अभी कितना दर्द है, मैक्सिमम कितना था और एवरेज कितना रहता है, ये बहुत हेल्प करते हैं हमें। अब सॉक्रेट्स एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, बहुत बढ़िया थे, उन्होंने एक लाइन कही जिस दिन, ये तो इंग्लिश में लिखा है हिंदी में बोलते हैं उसको, जिस दिन आपको लग जाए कि आपको सब आता है उस दिन आप समझ जाओ आप कुछ नहीं सीख सकते लाइफ में। ठीक है, ये लर्निंग तो ठीक है, बट हमारे लिए सॉक्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा निमोनिक है पेन का वो पूरा का पूरा सॉक्रेट्स पे है। ये सॉक्रेट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं सॉक्रेट्स खत्म करते करते मेरा 80% टाइम डायग्नोसिस बन जाता है, जो बचा हुआ 15-20% है वो इन्वेस्टिगेशन और MRI। आप ये सोच लो 15-20% सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और MRI है, बाकी सब सॉक्रेट्स है, और इससे ऊपर वाला जो पार्ट था साइट इसलिए इंपॉर्टेंट है, लो बैक पेन है कि लो बैक पेन के साथ में लेग पेन भी है, नी जॉइंट पेन है दोनों तरफ है कि एक ही तरफ है, नी जॉइंट पेन में भी आगे की तरफ दर्द है कि पीछे की तरफ दर्द है ना। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई
पेशेंट को साइनेवियल स्वेलिंग है और सिस्ट बन रहा है तो यूजुअली वो पोस्टीरियर पॉकेट में जाता है, मतलब नीचे पीछे की तरफ जाता है, तो पेशेंट को आप देखोगे तो एक फुलनेस मिल जाएगी वहाँ साइड पे। आप ओपीडी के ओपीडी में उस साइस्ट को आप एस्पिरेट कर लो, बस पेशेंट का आधा पेन वहीं ठीक हो जाता है। मतलब मैं अभी तो बात आगे भी ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको उसमें लोकल डालना या स्टेरॉइड डालना, कुछ भी डालना कोई बात नहीं, आप उसको एस्पिरेट ही कर लो, उतने में पेशेंट को रिलीफ लग जाता है। एंटीरियर पेन है, जॉइंट लाइन पे पेन है कि मूवमेंट पे पेन है, जॉइंट लाइन पे पेन है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लो बैक पेन है, मिड लाइन में पेन है, पैरामीडियन पेन है कि ग्लूटियल रीजन में पेन है, क्योंकि ये ग्लूटियस से लो बैक रीजन पेशेंट के लिए सब लो बैक है, बट हमारे लिए वो चीज़ सिर्फ लो बैक नहीं है, हमें वो अलग अलग है हमारे लिए। तो पैरामीडियन पेन्स होते हैं जो मोस्टली स्पाइन से जस्ट पैरामीडियन, या तो फेसेट हो सकता है, स्पाइन के जॉइंट्स होते हैं पैरेलल जॉइंट्स वो हो सकते हैं, या मसल्स हो सकती हैं बैक की। अगर मिड लाइन पेन है तो यूजुअली डिस्क पैथोलॉजी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनसेट। ऑनसेट कैसे शुरू हुई ये चीज, कोई ट्रॉमा तो नहीं था या काफ़ी समय से ये चीज़ चली जा रही है, प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेसिव है मतलब कि एक्यूट ऑनसेट या ग्रेजुअल ऑनसेट, हम बेसिक क्रोनिसिटी समझना चाहते हैं। क्रोनिसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जितना क्रोनिक पेन उतना डिफिकल्ट टू ट्रीट। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ माई पेशेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ भैया इतने दिन का पेन है एक बार में ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे करेंगे पर पक्का ठीक करेंगे, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोनिसिटी से क्या होता है कि सेंट्रल काफ़ी सारे मैकेनिज्म है, सेंट्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन, मतलब सेंट्रल हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं जो चलते हैं जिसको आप ईजिली तोड़ नहीं सकते हो। इट्स लाइक ए चक्का, विशेष साइकिल चल रही है चल रही है चल रही है, आप तोड़ोगे एक बार वो वापस आएगी, आप तोड़ोगे वो वापस आएगी। तो पेशेंट को आपको कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी बताना कि अगर ये क्रोनिसिटी है तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर जैसे कि डल एकिंग है, धीरे धीरे से दर्द एक बना रहता है, कि बिजली जैसे झटके जैसे आता है, टिंगलिंग हो रही है, सुइयां चुभ रही है, चीटी चल रही है, या वो एरिया सुन्न पड़ चुका है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। टिंगलिंग हो रही है, सुइयां चुभ रही है, चीटी चल रही है, डल एकिंग है, धीरे धीरे से दर्द एक बना रहता है, कि बिजली जैसे झटके जैसे आता है, टिंगलिंग हो रही है, सुइयां चुभ रही है, चीटी चल रही है, या वो एरिया सुन्न पड़ चुका है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि नॉसिसेप्टिव है पेन कि न्यूरोपैथिक है। ये बहुत बड़ा गेम है नॉसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक का। अगर न्यूरोपैथिक है तो एंटी न्यूरोपैथिक फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं, अगर नॉसिसेप्टिव है तो एंटी इन्फ्लामेटरी फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं, और मोस्टली जब क्रोनिक हो जाता है तो न्यूरोपैथिक का, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि नॉसिसेप्टिव है पेन कि न्यूरोपैथिक है। ये बहुत बड़ा गेम है नॉसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक का। अगर न्यूरोपैथिक है तो एंटी न्यूरोपैथिक फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं, अगर नॉसिसेप्टिव है तो एंटी इन्फ्लामेटरी फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं, और मोस्टली जब क्रोनिक हो जाता है इट बिकम्स मिक्स्ड, मतलब दोनों पिक्चर्स एक साथ प्रेजेंट रहेंगी। रेडिएशन पैटर्न। अब रेडिएशन जैसा कि सबको समझना आना चाहिए कि डर्मेटोमल है कि नॉन डर्मेटोमल, जो मैंने पहले स्लाइड दिखाई थी बॉडी चार्ट की, तो हमें उससे समझना है कि पेन एक किसी पर्टिकुलर डर्मेटोम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई बार होगा कि डर्मेटोमल है तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा शायद न्यूरोपैथिक है, कोई पर्टिकुलर नर्व दब रही है। अगर नहीं जा रहा है डर्मेटोम में तो आप समझ सकते हो कि यार ये हायर चांसेस है कि नॉसिसेप्टिव है। बट क्रोनिसिटी में अगर लंबा पेन हो तो हाई चांसेस होते हैं कि डर्मेटोमल पैटर्न लॉस हो जाता है, ठीक है। एसोसिएटेड सिम्टम्स। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, स्लीप डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, दर्द इतना रहता है कि सर रात में सो भी नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है। साथ में कई बार हो सकता है कॉन्स्टिपेशन रह रहा हो, तो आपको ये एसोसिएटेड सिम्टम्स पेशेंट से जानने हैं, कब ये पेन ज़्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है ये भी जानेंगे, बट साथ में हम एसोसिएटेड सिम्टम्स पे बहुत स्ट्रेस देना है। कई बार कह सकते हो कि जैसे पेशेंट बोल रहा है कि सर ये दर्द तो चला जाता है बट ये एक नई चीज़ शुरू हो जाती है दर्द खत्म होने के बाद, कुछ ना कुछ नई चीज़, तो वो एसोसिएटेड सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है पेन के हिसाब से। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड सिम्टम हमेशा पूछना चाहिए पेशेंट से, स्लीप कैसी है, आपकी नींद कैसी है, क्योंकि जब तक स्लीप डिस्टर्ब रहेगी ये साइकिल चलती रहेगी पेन की। नेक्स्ट टाइम एंड ड्यूरेशन, किस समय पे ज़्यादा दर्द करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन पेशेंट को सबसे ज़्यादा दर्द सुबह उठते जब चलना शुरू करता है तब करता है साथ में, पर यह दर्द 30 मिनट के अंदर लगभग खत्म हो जाता है। वहीं अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो 30 मिनट से ज़्यादा जाएगा, और ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब पेशेंट चलना शुरू करता है तो उसकी बोन्स रगड़ती हैं,
शाम तक आते आते ये दर्द बढ़ जाता है मेरा। प्लांटर फेशाइटिस का पेशेंट, सर सबसे पहला कदम रखता हूँ जमीन पे और असहनीय दर्द होता है, वहीं डायग्नोसिस बन जाता है, फर्स्ट स्टेप पेन प्लांटर फेशाइटिस अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट। ड्यूरेशन कितनी देर रहता है ये दर्द आपको, मतलब कितने समय तक चल जाता है। कई पेन्स होते हैं कि जैसे कि आप सुबह सुबह तो थोड़ा रहता है, शाम को चला जाता है, शाम को रहता है, सुबह चला जाता है। एक ऐसा ही पेन है विटामिन डी डेफिशिएंसी का, बहुत कॉमन है आजकल क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, हम अर्ली मॉर्निंग घुस जाते हैं अपने कैबिन में, उसका सन एक्सपोजर होता नहीं है हमारा, तो क्या डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी। तो बेसिकली आप विटामिन डी ट्रीट कर दो, काफ पेन पेशेंट का चला जाता है। व्हाट आर द एग्जैजरेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स, किन चीज़ों से दर्द बढ़ जाता है आपका और किन चीज़ों से आराम लग जाता है आपको, कोई मेडिसिन, लेटने पे आराम लग जाता है क्या, बैठने पे आराम लग जाता है क्या, या आगे झुकने पे आराम लग जाता है क्या, ये फैक्टर्स आपको जानने हैं। सीवियरिटी, सीवियरिटी बेसिकली हम NRS और दूसरी चीज हमारे वास्ट कोर्स से सीवियरिटी हर पेशेंट की रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पेन, इसमें अब ये पूरा क्लासिफिकेशन देखोगे तो बहुत बड़ा है। हम लोग जो मेनली डील करते हैं, या तो हमारे पास एक्यूट पेन आ जाता है कभी कभी, या सबसे कॉमन जो हम लोग जिससे जो हमें ट्रीट करते आना चाहिए वो मैलिग्नेंट भी छोड़ दें, तो ये है, ये देगा नॉन मैलिग्नेंट पेन और बिनाइन पेन। इसमें दो कैटेगरीज है, मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोपैथिक। अब इनको ट्रीट तभी कर पाएंगे जब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो ये हमारा अर्निंग पॉइंट है। तो नॉसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक पेन को, ठीक है। तो नॉसिसेप्टिव पेन में मेनली इन्वॉल्व्ड है पेन रिसेप्टर्स, न्यूरोपैथिक पेन में कोई पर्टिकुलर नर्व का लीजन हो जाए तो। नॉसिसेप्टिव यूजुअली लोकलाइज रहता है और कभी कभी रेफर्ड पेन दे सकता है, उसके एग्जांपल्स हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। न्यूरोपैथिक पेन यूजुअली डर्मेटोमल स्पेसिफिक टेरिटरी में जाएगा एक नर्व की। अब नॉसिसेप्टिव यूजुअली पेनफुल सेंसेशंस रहेंगे, बट न्यूरोपैथिक में कुछ अजीब से सेंसेशंस देगा पेशेंट, टिंगलिंग, पिन प्रिकिंग, बर्न बर्निंग, नमनेस। अब नॉसिसेप्टिव आपके रेगुलर एनाल्जेसिक्स चल जाएंगे, बट न्यूरोपैथिक में आपको एंटी न्यूरोपैथिक सोचने पड़ेंगे, कौन से स्पेसिफिक यूज होने चाहिए कौन सी कंडीशंस में वो आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या रेडिएशन पैटर्न्स होते हैं, है ना। तो ये जो हमने इसमें मसल दिखाई है ये इलियोसोआस मसल है, ये डीप मसल है एक, आप ऊपर से फील नहीं कर सकते, बट पेशेंट क्या बोलता है स्पेसिफिकली, जब मैं इस डीप सीट में बैठ के उठने की कोशिश करता हूँ तो कमर में दर्द होता है, थोड़ा बहुत दर्द ग्लूटियल रीजन तक जाता है या इनर थाई में जाता है। हम सोचने लगते हैं यार ये कौन सा L1 L2 या क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इलियोसोआस की प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी ऐसी एक मसल है क्वाड्रेटस लंबोरम, ये हमारी फ्लैंक की मसल है। बेसिकली अगर मैं ऐसे हाथ रख के खड़े हो जाऊँ तो मेरा जो हाथ पीछे जहाँ जा रहा है ना, दैट इज क्वाड्रेटस लंबोरम। अब ये मसल का पेन पेशेंट पर्टिकुलरली बोलेगा कि सर रात में करवट लेता हूँ तब दर्द होता है। इसको टेस्ट कैसे करते हैं, पेशेंट को खड़ा करो और आप यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेस कर दो, पेशेंट बोलेगा सर बस ये मत करो यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है। दूसरी है सुप्रा स्पाइनेटस या फिर ट्रेपेजियस मसल, ये पेशेंट सबसे ज्यादा मिसडायग्नोज है। पेशेंट सर्वाइकल MRI करा के बैठ जाएगा, सब करा के बैठ जाएगा। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने सर्जरी करा ली, सर्जरी करा के भी दर्द नहीं गया, हमारे पास आए, हमने डे केयर बेसिस पे एक प्रोसीजर किया और पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया आराम से, रिलैक्स, सर सर्जरी से आराम नहीं लगा, आपके इलाज से आराम लग गया, ठीक है। अब पहचाने कैसे, लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि नर्व पेन है कि नॉसिसेप्टिव पेन है, तो टेक्निक है पैल्पेशन टेक्निक। इसको बेसिकली करना क्या है, जो भी मसल आप सस्पेक्ट कर रहे हो उसको आपको हल्के हाथ से, मैं थंब यूज करता हूँ अपना, दबाना है या होल्ड करना है। होल्ड कैसे करना है, पिंसर ग्रिप्स, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप उसको होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो, होल्ड नहीं कर सकते तो आप उसको थंब से प्रेस करो। पेशेंट बहुत ही शानदार तरीके से बताएगा सर मत करो, दर्द हाथ में भी जा रहा है। दैट इज वेरी डायग्नोस्टिक ऑफ कि ये भैया इसको इस मसल का पेन है। अब IP तो एक डीप मसल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए स्पेसिफिक मैन्यूवर करते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक एग्जामिनेशन थोड़ी आनी चाहिए, न्यूरोलॉजिकल, सेंसरी, कौन सा डर्मेटोम में कहाँ है, मोटर वीकनेस आप देख सकते हो सारे चला के, जॉइंट्स उसको चला के, हील वॉक, टो वॉक, ये बहुत ईजी है। मोस्ट कॉमनली L5-S1 नर्व रूट इन्वॉल्व होती है, अगर हील वॉक नहीं कर पा रहा है तो आपका L5 है, टो वॉक अगर नहीं कर पा रहा है तो S1 है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस उसमें मैं इतना स्ट्रेच नहीं दूंगा। अच्छा टेस्ट, यहाँ अब स्पेसिफिक कुछ कुछ टेस्ट आएंगे
आई विल एडवाइज कि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले सकते हो इसके, जैसे कि SLR, स्ट्रेट लेग रेस्ट। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को लेटा के बोलते हैं आप पैर उठाओ, दैट इज एक्टिव। हमें एक्टिव नहीं कराना है, हमें अगर नर्व को स्ट्रेच करना है तो हमें पैसिव करना होता है, मतलब आप पैर उठाओगे। आप पेशेंट को बोलो आपको उठाने की जरूरत नहीं, हम उठाएंगे। अब कई बार होता है कि पेशेंट 30 डिग्री से पहले भी पेन बताने लग जाता है, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे 30 डिग्री भी नहीं उठा पा रहा, ये तो बहुत सीवियर पेन है। ऐसा नहीं है, अगर 30 डिग्री से पहले पेन होने लग जाए मतलब बहुत ही नॉन स्पेसिफिक पेन है वो। 30-70 डिग्री के बीच में ही आपको प्ले करना है। ले जाके अगर लगता है नहीं आ रहा है तो एक बार डॉर्सिफ्लेक्शन करना है, दबाना है, जो सेकेंड इमेज में हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, डॉर्सिफ्लेक्शन करना है बेसिकली इसका, आपको दबाना है पैर को। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप जो सियाटिक नर्व है बैक में उसको स्ट्रेच कर रहे हो। अगर उसमें कहीं भी कंप्रेशन हो रहा होगा, वो स्ट्रेच होगी तो वो पेन करेगी, आप जैसे ही छोड़ोगे रिलीफ लग जाएगा। दूसरा होगा क्रॉस लेग SLR, मतलब जिस तरफ पेन है उसके अपोजिट साइड आप पैर उठाते हो तो उसको उस पैर में पेन होता है, दैट इज वेरी स्पेसिफिक कि आपको इसको सियाटिक। स्लम टेस्ट, अब हर टेस्ट में हम करना कुछ नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि कैसे हम सियाटिक को स्ट्रेच कर सकते हैं, तो कैसे उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं कि पेशेंट को आगे फॉरवर्ड बेंड करा दिया पूरा और हल्का सा पैर उठाने की कोशिश करी तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेच हो रही है आपकी। फ्यूमरल स्ट्रेच टेस्ट, अगर फ्यूमरल नर्व इन्वॉल्व हो रही है तो आप पेशेंट को उल्टा लेटा के उसका पैर उठाना शुरू कोशिश करोगे। ये आईपी का भी टेस्ट है, जो इलियोसवास मसल का टेस्ट मैं बोल रहा था, ये आईपी के लिए भी टेस्ट यूज होता है ये वाला। नेक्स्ट इज नेक के पेन्स के लिए पर्लिंग टेस्ट, ये थोड़ा सा डिस्कार्डेड टाइप में है। इसमें बस ये ध्यान रखना कि प्रेशर बहुत लाइट देना है, ज़्यादा जोर से नहीं देना है, वरना पेशेंट का पेन और एग्जेजरेट हो सकता है। ठीक है, जिस साइड पेन है गर्दन उस तरफ टर्न करके थोड़ी सी एक्सटेंड करके आपको हल्का प्रेशर देना है बस उसके सर पे। शोल्डर में बहुत मिसडायग्नोसिस बनता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करने का एक बहुत सिंपल टेस्ट है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन। अगर शोल्डर जॉइंट की पैथोलॉजी है, माने कि शोल्डर जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फ्रोजन शोल्डर है, तो दोनों एक्टिव और पैसिव, दोनों रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट रहेंगे। ठीक है, बट अगर मसल का पेन है तो आपकी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगी बट पैसिव रेंज ऑफ मोशन ठीक रहेगी, क्योंकि आप मसल को बेसिकली काम नहीं करवा रहे। ठीक है, नी जॉइंट के पेशेंट्स में आपको बेसिक एक देखना है कि अगर जो यंग एज पेशेंट्स होते हैं यूजुअली वो ट्रॉमा के साथ आते हैं, तो मेनली ACL टीयर, MCL टीयर, उसमें ग्रेडिंग और वो सब काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, बट मोस्ट ऑफ द अनटिल अनलेस आप 50-60% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करते हैं, तो इट इज़ मैनेज कंजर्वेटिवली, तो आप बेसिकली NSAID से सब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट साथ में ये देखना कोई स्वेलिंग तो नहीं है, क्योंकि साथ में साइनोवाइटिस होकर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं बनता। जॉइंट लाइन इन्वॉल्व है तो बेसिकली आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब ओए नी हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा डोमेन है फीमेल पेशेंट्स के लिए, ओल्ड एज फीमेल पेशेंट्स ओए नी के साथ में। दोनों नीज को कंपेयर करो, स्वेलिंग देख लो। हम तो बेसिकली पेशेंट की USG कर ही लेते हैं, कोई ना कहीं साइनोवाइटिस मिल ही जाता है हमें। अब पेशेंट क्या हिस्ट्री देगा कि मुझे ऐसा लगता है कि सर जॉइंट छूट ही गया, निकल ही गया मेरा पैर आज तो। एंड इन पेशेंट्स को आपको बेसिकली कैसे ट्रीट करना है कि आपको उनको सपोर्ट देना है कि कैसे आप बेसिक अपनी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकते हो, क्या क्या एडवाइस कर सकते हो। तो कुछ एडवाइसेस सिंपल होती हैं, नीचे नहीं बैठना है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी होती है कि पूजा के टाइम भी नीचे नहीं बैठना है, तब भी स्टूल लेके बैठना है। टॉयलेट जो यूज़ करना है वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है। अर्ली मॉर्निंग वॉक करना है, लाइट वॉक करना है, रनिंग नहीं करना है। दूसरा, आप नी सपोर्ट यूज़ कर सकते हो जब भी ज़रूरत हो। इतनी एडवाइस से ही आप उसका एटलीस्ट प्रोग्रेशन रोक दोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस का, पेशेंट का।